हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज इस ब्लॉग में सबसे पहले एक भाई का कमेंट आया है, सुनील पांडे का, कि भाई गर्मी के दिनों में घोड़े को रोज़ नहलाना चाहिए कि नहीं। तो जो ये हमारा घोड़ा है, गर्मी के दिनों में इसे हर रोज़ नहलाना चाहिए, बस सुबह के टाइम में 8 बजे के टाइम में नहलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बजे के बाद घोड़े को नहीं नहलाना चाहिए, शैम्पू से नहलाना भाई। मतलब हर रोज़ अगर शैम्पू से नहीं नहलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन पे इसे शैम्पू से ज़रूर नहलाएं। और हम भी शैम्पू से ही नहलाते हैं, तो चलिए। और इसे और भाई का किसी का कोई मतलब जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, हर रोज़ मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। तो फिलहाल गर्मी के कारण मैं घोड़े को नहीं दौड़ा रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले शाम हो गया है, घोड़े को ले चलते हैं और वहाँ पे बांधेंगे। और आज इस ब्लॉग में आपको हम घोड़े का डाइट बताएंगे, गर्मी के दिनों में हम लोग घोड़े को क्या देते हैं, डाइट भी बताएंगे। तो चलिए, फिलहाल यहाँ से हम घोड़े को ले चलते हैं, चलो। और देखो भाई, बहुत सारे लोगों का कमेंट पहले आया है कि घोड़े को लगाम हम कैसे लगाएं, ठीक है। तो घोड़े का लगाम लगाना एकदम बिल्कुल सिंपल है, बहुत सारा ऐसा घोड़ा होता है लगाम नहीं लेता है। तो करना क्या है, एक हाथ में ऐसे होल्ड कर लीजिए, ठीक है, लगाम को देखिए ऐसे पकड़िए और यहाँ पे हमें लॉक कर लेना है, ठीक है। एक हाथ से लॉक हो गया और यहाँ से सीधे लगाम को नीचे लाइए और लगा दीजिए। लगाम लगाना बिल्कुल सिंपल है, बस आपको आइडिया आना चाहिए। और मुझे उम्मीद है जिन लोगों का लगाम लगाने में दिक्कत हो रहा होगा वो लगाम लगाना सीख गए होंगे। यार चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर लाइक करना। चलो चलो भाई, आ गए घर। घर के पास ही से हम रस्सी में बांधते हैं। तो फिलहाल हम घोड़े को ला दिए हैं। और ये देखो भाई, ये जो आप देख रहे हो ड्राम, और ये वही ड्राम है जो कबाड़ में मिल जाता है, और इसमें हम इसी में हम घोड़े को खिलाते हैं। और इसमें देखो क्या किए हैं, ऊपर से दिखाना ना, देखो भाई क्या किए हैं, पहले मिट्टी डाले हैं, उसके बाद सीमेंट और बालू से इसे हम ढलाई कर दिए हैं, इतना ढलाई कर दिए हैं। और ये काफ़ी वेट वाला हो गया है और ये हिलेगा भी नहीं, और इसमें जो अपना घोड़ा है आराम से खा लेता है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, तो बरसात का पानी कभी आ जाता है तो नीचे से गिर जाएगा। तो फिलहाल चलिए घोड़े को बांधते हैं और आज हम डाइट बताएंगे गर्मी के दिनों में हम घोड़े को क्या देते हैं। वैसे आप मेरे घोड़े को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जो भी देखते हैं ठीक देते हैं, और आपको भी कोशिश करेंगे कि अगर जो घोड़े वाले हैं वो मतलब गर्मी के दिनों में क्या दें। तो फिलहाल घोड़े को बांध दिए और चलिए इसका डाइट बनाते हैं। और घोड़े के साथ साथ हमारे पास 3 भैंसे हैं, भैंस है। और ये देखो, ये एक भैंस है और इसका प्राइस यार सुनकर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इसीलिए मैं प्राइस नहीं बता रहा हूँ। आ जाए। और इसके बाद एक और है इसे, और यहाँ पे एक सबसे बड़ी भैंस है, ये देख लो। और मैं इसका भी प्राइस अगर आप लोगों को बताऊंगा तो विश्वास नहीं होगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा तो ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पे पूरा आपको भैंस को पूरा दिखाते हैं, चलिए आइए। तो चलो भाई, सबसे पहले घोड़े का डाइट बताना है, तो घोड़े का डाइट बनाएंगे। और देख लो भाई ये, चलो। और यहाँ पे रेडी है हमारा भूसा, ये जो आप भूसा देख रहे हैं
हमने इसे पहले पानी में भिगोकर और 5 मिनट के बाद इसे हमने छानकर रख दिया है। अगर किसी को नहीं पता हुआ कि हमने भूसे को कैसे पानी में भिगोकर छानते हैं, तो यहाँ पे आई बटन पे एक वीडियो है डाइट प्लान का, वहाँ पे आप उस वीडियो को जाकर देखिए, और डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हम फुल बताए हैं कि कैसे भूसे को छानते हैं और क्या क्या देते हैं। तो फिलहाल इसमें हम क्या क्या मटेरियल यूज करेंगे वो भी बताते हैं। तो फिलहाल ये देखो, ये जो आप भूसा देख रहे हो, ये बस रात से इस समय 6 बजे से सुबह 6 बजे तक हमारा घोड़ा खाएगा, मतलब 12 घंटा खाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, 1 केजी चोकर देते हैं। ये जो अपना बर्तन देख रहे हैं 1 केजी पकड़ता है, 1 केजी इसमें हम चोकर डाल दिए हैं। ये जो आप चोकर देख रहे हैं ये मार्केट से लाए हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये गेहूं का दरिया है। जो हमारे घरों में गेहूं होता है उसे हमने अपने मशीन में दर कर बनाए हुए हैं घर पे, तो इसे हम गेहूं का दरिया भी देते हैं, और एक गेहूं का दरिया इसमें डाल दिया। तो इसमें हम भूसा और दरिया दो डाल दिए हैं, लेकिन सबसे ध्यान देने वाली जो बात है, देखिए अगर ये सब आप मटेरियल घोड़े को नहीं देते हैं तो उसे तरह तरह की बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले हम कभी भी डाइट में हमें देना एकदम जरूरी है जवाइन। इससे होगा क्या, जो हमारे घोड़े के पेट में गैस नहीं होगा। देखिए कितना हम जवाइन देंगे, और ये रहा मेथी। मेथी गर्मी के दिन में देंगे, लेकिन कम देंगे, थोड़ा सा मात्रा में देंगे, इतना ही देंगे, क्योंकि गर्मी के दिनों में थोड़ा सा दिक्कत है। अगर मेथी हम नहीं देते हैं तो इसमें कौन सी बीमारी आती है घोड़े में और क्या फायदे हैं वो भी हम बताते हैं। देखिए अगर हम मेथी नहीं देते हैं तो यहाँ पे देखिए जो घोड़े का पैर देख रहे हैं इसमें बुजबुजी आना स्टार्ट हो जाता है। मेथी देने से मतलब इसमें बुजबुजी नहीं आएगा, फूलेगा नहीं। ये जो आप देख रहे हो ये है सेंधा नमक, नमक है, कल्ला नमक बोलते हैं, सेंधा नमक है, और इसे थोड़ा सा दे देंगे। और यहाँ पे हर भाई का एक ही कमेंट आता है हर दम कि भाई ये जो काला चीज़ आप जो दे रहे हो ये क्या है। तो हमारे यहाँ इसे मंगरायल बोलते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं देना, इतना ही मंगरायल है, ब्लैक जो देख रहे हो मंगरायल है, मतलब जहाँ हम लोग किराने की दुकान में हमें आसानी से मिल जाता है मंगरायल बोलेंगे तो दे देगा लोग। तो चलिए गाइस इसमें जो भी हम मटेरियल डाले हैं वो आपको फिर से एक बार और बता देते हैं। इसमें हम डाले हैं भूसा भिगोकर, उसमें 1 केजी हम चोकर डाले हैं, 1/2 केजी गेहूं का दरिया डाले हैं, उसके बाद थोड़ा सा जवाइन डाले हैं, मंगरेल डाले हैं, मेथी डाले हैं, सेंधा नमक डाले हैं, और इसको इसमें पूरा डाल दिए हैं, और इसको हम मिक्स कर देते हैं। तो हमने इसे मिक्स कर लिया है, और एक बात, जो भी हमारे चैनल पे आता है जो भी डाइट आता है एकदम रियल आता है, इसमें कोई फेक नहीं है, जो भी आता है रियल आता है, क्या देते हैं वही आता है। तो फिलहाल हमने इसे बना रखा है, और चलिए इसमें हम डाल देते हैं। और एक बात, बहुत सारे लोग होंगे कि एक बार ही डाल देते हैं, लेकिन घोड़े को एक बार हमेशा मत डालिए, बस थोड़े से इसमें डालिए, देखिए इतना, ये आराम से 1 घंटे तक खाएगा। उसके बाद क्या कीजिए, 1 घंटे के बाद इसे फिर डालिए, और रात में पूरा डाल दीजिए, सोते समय 10-11 बजे जाते हैं हम सोने, उस समय डाल दीजिए, रात में आराम से रात भर खाएगा। और हाँ, घोड़े के जो ये नाद आप देख रहे हैं इसमें 24 आवर्स कुछ ना कुछ रहना चाहिए, घोड़ा 24 आवर खाता है। तो चलिए फिलहाल अभी तो हम लाए हैं तो इसे पानी पिलाते हैं, तो इसे हम पानी पिला देते हैं। घोड़े को दिन भर में 7 से 8 बार पानी पिलाइए, 7-8 बाल्टी पानी पिलाइए, पिएगा, गर्मी के दिन है, अगर आप पानी का कमी करते हैं तो घोड़े का तबीयत खराब हो जाएगा। तो हम घोड़े को जो डाइट था बना दिए हैं, अगर आप घोड़े के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अगले नेक्स्ट ब्लॉग में कमेंट के बारे में बताएंगे। बस आप लोग बताइए आप लोग कैसा ब्लॉग चाहते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम 24 आवर ब्लॉग बनाएं तो ज़रूर बनाएंगे, बस आप लोग का कमेंट आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड बाय।